खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित गुरुद्वारा सुखधाम में आयोजित 3 दिवसीय 98वां गुरमुख सम्मेलन गुरुवार को आनंद कारज सामूहिक विवाह समारोह के साथ संपन्न हुआ। इसमें एक जोड़े का आनंद कारज हुआ। संतरेन डॉक्टर हरभजन सिंह महाराज के संधिगत में आयोजित आनंद कारज में पंकज मालिक का जया मदान निवासी तलवाड़ा में विवाह हुआ। इस अवसर पर कीर्तन व प्रवचन का भी आयोजन हुआ। गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी रवि सेतिया ने आनंद कारज के दौरान लावा पढ़ा। भाई जितेंद्र मदान ने लावा का गायन किया। आनंद कारज में 4 लावा पढ़े गए। प्रत्येक लावा के दौरान विवाह बंधन में बनने वाले जोड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा कर माथा टेका। इसके बाद भाई जितेंद्र सिंह मदान की अरदास कराई। संतरेन डॉक्टर हरभजन साहब सिंह महाराज ने परिणय सूत्र बंधन में बंधे जोड़ों को लंबी आयु व सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। ठाकुर की कृपा से गुरु महाराज की दंत रहमत से यह 98वां गुरुमुख सम्मेलन इसी समय निर्विघ्न संपूर्ण हुआ है। समूह संकट जानती है कि इस महासंकट के दौरान इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करना अपने आप में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो है। संगत की भी रक्षा करनी है, गुरुवर्ग की मर्यादाओं का भी पालन करना है। लेकिन ईश्वर सहाय होता है तो सारे काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। आज सुबह जो गुरु महाराज जी की याद में अखंड पाठ सब रखा हुआ था, सवेरे उसका 5:30 बजे पाठ का भोग हुआ। यहाँ पर निरंतर सुबह 3:30 बजे से नित्यानंद का पाठ, सुबोधन सर जी का पाठ, आशा जी जी को आठ कीर्तन और बाकी रावी जत्थों ने भी अपने अपने श्रद्धा के भाव, श्रद्धा के पूर्व चरणों में और शब्दों की राही रखी। उपरंत जो गुरु महाराज की रस्म है, पहले गुरु महाराज जी के पावन प्रवचन और उसके बाद अनंत कारज की रस्म यहाँ पर हुई। निश्चित तौर से दो जीवों का मिलन है। ये अनंत कारज गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जोड़ा था कि 100 जोड़े थे। समाज में अगर एक भी जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने का अवसर मिल जाता है और सफल हो जाता है तो अपनी जीवन यात्रा सफल कर लेता है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 3 बजे नितनेम साहिब के साथ हुई। सुखमनी साहिब चौपाई का पाठ हुआ व आशा दीवार का कीर्तन किया। इसके बाद सजे कीर्तन दीवान में भाई जितेंद्र मदान, भाई वसंत गांधी ने गुणवाणी का कीर्तन कर संगत को निहाल किया। संगत ने संतरेन डॉक्टर हरभजन साहब सिंह महाराज से ऑनलाइन होकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में आई संगतों ने गुरुद्वारे में माथा टेक मन्नत मांगी। कार्यक्रम में आखिर में संतरेन डॉक्टर हरभजन साहब सिंह महाराज से आशीर्वाद लिया। संतरेन हरभजन साहब सिंह महाराज ने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलने से शांति मिलती है और प्रभु मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जितेंद्र सेतिया की रिपोर्ट।